थंबनेल में आपने देख लिया होगा किस टॉपिक पे वीडियो है। तो हाँ मेरे भाई, अभी अभी क्या हुआ, आपके कई बॉयफ्रेंड, आपके कई गर्लफ्रेंड, इन सब की आप कई गर्लफ्रेंड नहीं मतलब एक गर्लफ्रेंड या फिर एक बॉयफ्रेंड की शादी ऐसे टाइम पे होगी। अभी लॉकडाउन का टाइम था, इसमें भाई शादी का सीजन था, तो आप में से किसी ना किसी के प्यार की शादी हो गई होगी, ठीक है, जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, जिसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उसकी शादी किसी और से हो गई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्यार आपसे, शादी किसी और से, ये कौन सा लॉजिक है, ये कहाँ का फंडा है, कैसे का फंडा है, उसने तुम्हारे साथ गलत किया या सही किया, उसने तुम्हें धोखा दिया या नहीं दिया, हर एक चीज़ को बताऊँगा मैं इस वीडियो को, आप लास्ट तक देखना। और लास्ट में मैं आपको एक लड़की का इंस्टाग्राम आईडी दूंगा, समझे, इंस्टाग्राम आईडी दूंगा, जिससे कि आप बात कर सकते हो, जिससे कि आप चैटिंग कर सकते हो, जिसको आप अपना बना सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अगर उस लड़की ने आपसे मतलब आपसे प्यार किया, उसके बाद में शादी किसी और से की, तो आपको तो पहले ही पता लग गया होगा, सुनो मेरी शादी होने वाली है, ऐसा ऐसा है, मेरा जो बॉयफ्रेंड है या फिर जो मेरे हस्बैंड है, उससे मेरी शादी इतने टाइम पे फिक्स हुई, बट ये लॉकडाउन लग गया, इसकी वजह से शादी नहीं हो पा रही है, या फिर अब होगी दिसंबर नवंबर जनवरी फरवरी इनमें होगी, समझे, ये सिस्टम होता है। तो आपने चलो कोई बात नहीं, तब तक आपने बात की, अच्छे से हर एक चीज़ किया, बट अभी क्या हुआ, उसकी शादी होगी, आपको लग रहा है कि आपको उसने धोखा दिया है, आपको उसने अकेला छोड़ दिया, ऐसे रास्ते में जब उसकी ज़रूरत आपको हद से ज़्यादा है, हद से ज़्यादा इस टाइम उसको मतलब उसकी ज़रूरत आपको है, फिर भी वो आपके साथ नहीं है, किसी और के साथ है, आज जिसको आपके साथ बिस्तर पे होना चाहिए था, या फिर गलत बोला मैंने, बट जिसको आपके साथ होना चाहिए था, जिसके साथ आपकी लाइफ बीतनी थी, वो आज किसी और की बाहों में है, आपको बुरा लग रहा है, मानो या ना मानो आपको बुरा लग रहा है, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो। तो मेरे भाई सबसे पहली बात, उसकी लाइफ है, चाहे जो करे, वो आपको हर एक चीज़ के बारे में बताया, उसने बोला भी कि उसकी शादी होने वाली है, इस तारीख को होगी, आपके परिवार वाले नहीं माने, उसके परिवार वाले नहीं माने, आपकी कोई मजबूरी थी या उसकी कोई मजबूरी थी, वो अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती थी, या फिर आप अपने परिवार के खिलाफ नहीं आते, वो अपने वसूलों से खिलाफ नहीं जा सकती थी, आप अपने वसूलों से खिलाफ नहीं जा सकते, ये सब चीज़ें होती रहती हैं, हर किसी की लाइफ में होती है, मेरी भी हुई, आपकी भी हो रही है, उसके भी हो रही है, उसके भी हो रही है, उसके भी हो रही है, हर किसी के साथ ऐसा होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप जिससे प्यार करते हो उससे आपकी शादी, बस आपके दिमाग में ये होना चाहिए जिसके साथ भी इस टाइम वो है उसके साथ खुश तो है ना वो, कभी आपने ये सोचा उसके साथ खुश तो है ना वो, उसके दिल पे क्या बीत रही होगी, आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया उसने, सोचो आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया उसने, इतने बेहतर बेहतर पल दिए, इतने बेहतरीन से मैं बता नहीं सकता, इतने बेहतरीन से पल दिए उसने, और आज उसकी शादी होगी तो आप उसको धोखेबाज कह रहे हो, सोचो गलत कर रहे हो ना आप, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सोचो मेरे भाई। अब इसके बाद में उसने सोचा भी होगा, उसने कभी नहीं सोचा होगा, उसने एक टाइम पे सोचा होगा कि उसकी शादी आपसे होगी, आप इतने प्यारे हो, वो इतनी प्यारी, उसने भी अपने घर बसाने के सपने आपके साथ देखे होंगे, आपने भी देखे थे ना, उसने भी देखे थे मेरे भाई, क्या करें, अपने माँ बाप की इज्जत तो नहीं उछाल सकता ना कोई, अपने माँ बाप के खिलाफ तो नहीं जा सकता ना कोई, घर पर आई बारात, उसके बाद में आप उम्मीद रख रहे हो कि वो तुम्हारे पास भाग के आएगी अपने माँ बाप की पगड़ी पैरों के नीचे गिरा के, सोचो मेरे भाई उसने कितना बड़ा बलिदान दिया, अपने प्यार का बलिदान दिया यार, उसने सोचा कभी नहीं ना, सोचो उसने अपने प्यार का बलिदान दे दिया अपने माँ बाप के लिए, आप भी दे सकते हो ना, जो आपके मम्मी पापा पसंद करे उससे शादी करो, या फिर आप अगर नहीं करना चाहते हो कोई बात नहीं, लड़की के परिवार वालों से बोलो कि मेरे को इससे शादी करनी है, जिससे अब इस टाइम आप रिलेशनशिप में रहना चाहते हो उससे बोलो कि मुझे इससे शादी करनी है, आप शादी कर सकते हो, बट जो चला गया उसको जाना था तो वो तो चला गया ना, अब उसके बारे में सोचने से, ड्रिंक करने से या फिर बकचोदी करने से कुछ नहीं होगा, समझे, मत सोचो, प्यार था कोई बात, जिंदा हमेशा रहेगा, वो मरेगा नहीं, समझे। वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताना, अगर आपको ये समझ में आए कि मैंने क्या कहना चाहा, उसको याद मत करो, अपने लिए कोई अच्छी सी बंदी ढूंढो, वो तो आगे निकल गई, अगर आप पीछे पड़े रहोगे तो आप वहीं के वहीं पड़े रहोगे मेरे भाई, समझे, वहीं के वहीं पड़े रहोगे, उसके तो बीवी बच्चे हर एक चीज़ हो जाएंगे, बट आपका कुछ नहीं होगा, वो उसके साथ खुश है, आप भी खुश रहो,
क्यों उसके चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, समझे? करो आपके जो मन में आता है, जो आपके दिमाग में आता है, वो चीज़ें करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, ख्याल रखना अपना। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो क्यों नहीं किया? मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आपको मैं इंस्टाग्राम पे एक लड़की की आईडी दूंगा जो शायद आपको अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहे, क्योंकि मैं उन लड़कियों का इंस्टाग्राम आईडी दे रहा हूँ जिनको सच में बॉयफ्रेंड की ज़रूरत हो, और हो सकता है कि आप उसके ऊपर खरे उतरे। तो फटाफट मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करो कि आपको लड़की की आईडी चाहिए या फिर छुपी, मैं आपको दूँगा। बाय, ख्याल रखना अपना।